मुझे पहले 3 महीने तक मुझे समझ में नहीं मैं पढ़ू नहीं पढ़ू, ठीक है 3 महीने तक कोशिश की, बाद में आखिर में जिन टीचर्स ने जिम्मेदारी ली थी उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। यहाँ तक कि मुझे पता है बहुत अक्सर मुझे वजीदा समाज में, मैं उस समय जॉब करता था बहुत समय नहीं दे पाता कॉलेज में, तो रात को 8:30 बजे बहुत अक्सर मुझे वजीदा समाज के ओटे पे बैठ के पढ़ाते थे, मुझे 8:30 बजे समय मिलता था, वहाँ बुलाते थे मुझे, वहाँ मुझे टीच करते थे। मेरी सुविधा कैसी है, उनको टीचर मेरे राठी साहब प्रिंसिपल थे उस समय, सुबह 6:30 बजे सर उनके घर पे जाता था क्योंकि 8 बजे से कॉलेज होता था, तो सुबह 1.5 घंटा वो मुझे पढ़ाते थे। तो ऐसे उस समय के टीचर्स थे मेरे साथ में कि जो पूरा कि भाई ध्यान ना इस चीज में, और उन्होंने किया अरे मेरा इतना मुझे मेरे ऊपर ध्यान दिया कि मुझे मेरिट में ला के दिए, उन्होंने मेहनत इसके पीछे पूरी मेहनत होती पूरी उस टीचर्स की इस कॉलेज की मेहनत थी कि मुझे उस टाइम इन्होंने बनाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स की नज़र में कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि ये करना चाहते हैं, आप अपना सब्जेक्ट चुनते समय मैक्सिमम उसमें यह रहता कि आगे जॉब किसमें ज्यादा मिलेंगे और मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन बहुत कम रहता है, या फिर घर का माहौल, घर का माहौल जैसे आपका घर में एडवोकेट है तो आप उस टाइम को चुनोगे, घर में सीए तो सीए चुनेगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर चुनेगा। इसके अलावा जो परिस्थिति होती है कि मेरे सारे मित्र कहाँ जा रहे हैं, सारे मित्र बीबीए में जा रहे हैं तो अपन बीबीए में एडमिशन, बीबीए यानी क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता, ठीक है आपको होगा तो पता नहीं है लेकिन उसके आगे 3 साल बाद का फ्यूचर क्या होगा। कई बार घर परमिट नहीं करता, जिस चीज को घर का माहौल परमिट नहीं करता, हम वो कोर्स ले लेते हैं, हो सकता है उसमें आपको सफलता भी मिले लेकिन सारे घर को पूरा एक तरफ और आपकी पढ़ाई एक तरफ। हमारे समय पढ़ाई 400 रुपये में होती, 400 रुपये कॉलेज की फीस लगती थी, किताबें सारी लाइब्रेरी से लेते थे, नोट्स पीछे वाले स्टूडेंट्स की पढ़ते। आज मैं नहीं कहता कि वो सारी प्रथाएं आज काम में आती, क्योंकि आज की बुक्स आपकी खत्म हो गई, पीछे पिछले साल वाले स्टूडेंट्स को खत्म नहीं आते, आज आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आपके घर में इंटरनेट है, नेट पर सारी पुस्तकें अवेलेबल है। हमारे समय इंटरनेट नाम का शब्द नहीं था, सिर्फ था कि ऐसा पुस्तक भी है, वीडियो बहुत बाद में आया हुआ है। आप अपनी ताकत, अपनी सोच, अपनी नीयत सबका कोऑर्डिनेशन करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई जब हम निश्चित रूप से कि एक पढ़ने जाते हैं तो हमें आगे क्या बनना है, क्या बनना है इस चीज में तो रहता है कि इसमें हमको कमाई कितनी होगी, हमारा पैकेज क्या रहेगा, हम हमारे घर को यानी हमारा सिर्फ टोटल पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, हमने अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर लिया तो हम जिंदगी में सक्सेस हो गए, ऐसा कितने लोगों का मानना है? आप उतना ही नहीं है तो बोलिए कितने लोगों को मानना है कि आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए आपने अपना पढ़ाई का करियर चुना? या ऐसे लोग बताइए कि इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, कितने लोग आप बताइए पढ़ाई के अलावा भी क्या करना चाहेंगे आप बोलिए पढ़ाई के अलावा, जैसे अभी क्या कर रहे हो आप? बीसीए फर्स्ट ईयर। क्या आगे क्या है क्या आपका? नहीं ये तो आपका ये हो गया ना टोटल करियर हो गया, ये एमसीए बन गया क्या है जॉब कर रहा है? नहीं ये सेट हो गया सारा का सारा सब चीज़। मैं पर्सनल अपने खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है, जानवर भी भूखा नहीं रहता, वो भी अपनी रोटी कमा के खा लेता है। आप नहीं पढ़ोगे, जो गांव में नहीं पढ़ेंगे वो भी कमा के पेट खुद का भर ले रहे, ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट पेट के साथ में 4 ड्रेस ज्यादा हो सकती है, 2 शू ज्यादा हो सकते हैं, बड़ा मकान हो सकता है, लेकिन आखिर हमको सुधा शांति के लिए हमारा पेट ही भरना पड़ेगा, आखिर खाओगे आप रोटी ही सब। इसके अलावा बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है, क्योंकि देखिए ना कल का आंदोलन देखिए, उस साल अभी कुछ दिन पहले अन्ना का आंदोलन कर दिया। अभी आप सबसे पहले कि हमारे सामने समस्या क्या है, समस्या बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें अनुभव नियत जोश तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि सिर्फ जोश का उपयोग कर लिया तो टेम्पररी वो आंदोलन सक्सेस होता है और बाद में वो पूर्णता को प्राप्त नहीं। आप अन्ना का आंदोलन ले लीजिए अमरावती में, जिस समय उन्होंने यहाँ दिया तो युवाओं ने आंदोलन के करीब 20,000 लोगों की रैली निकली थी, क्यों? क्योंकि बहुत सालों से यानी स्टूडेंट्स के लिए कोई आंदोलन ही नहीं हुआ,
स्टूडेंट्स के भी मन में कुछ लग रहा था कि नहीं कुछ ऐसा करे कुछ ऐसा करे कुछ ऐसा करे, तो अन्ना का आंदोलन एक रूप मिल गया। ऐसे आंदोलन 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण ने सारे युवाओं को एकत्रित कर पूरी की पूरी सत्ता का परिवर्तन कर दिया। युवा में उस समय भी जोश और नियत युवा में हमेशा रहती है, जोश की कमी नहीं है, उनकी नियत में बहुत ही, आपकी नियत में कहीं, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, आपकी नियत में कहीं वोट नहीं है, आपके जोश में कहीं वोट नहीं है। 1977 में आंदोलन हुआ, खूब जोश में आंदोलन हुआ, 1980 में जाके सारे के सारे सबके जोश मिल गए। उस जोश को कायम रखने की जो क्षमता होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स खो देता है, या फिर उस सिस्टम के साथ में एडजस्ट हो जाता है जिस सिस्टम के विरोध में खड़ा होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अभी एक सबसे बड़ी आपके लिए डिसएडवांटेज है पूरा का पूरा, जो मेरे लिए और मेरे टाइप की पीढ़ी के लिए एडवांटेज बना हुआ सर, कॉलेज में जो इलेक्शन होते थे, आप लोगों के यहाँ इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेशन होता है। तो जो अनुभव जिंदगी के मैंने यहाँ पर कॉलेज पॉलिटिक्स में लिए वो मुझे सारे के सारे पूरे पूरे काम में आ रहे। आप लोगों के साथ में एक चीज वो नहीं है, सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि 1989 में आसाम में कुछ ऐसी, बस आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना संगठन बना लिया असम गण परिषद, और इतना जोश का उन्होंने काम लिया, और अगला मुख्यमंत्री प्रफुल्ल पंत आप ही के स्टूडेंट्स में बना था। तो शायद हो सकता कि वो चीज देखकर यहाँ पर सरकार ने चुनाव पर बंदी लानी हो, मुझे ऐसा लगता उस समय, क्योंकि मैं करीब 1992-93 तक जब कॉलेज में यहाँ पर इलेक्शन होते, मैं 93 तक इस कॉलेज में आया हूँ, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से 1986 में पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी इस जगह से, इस कॉलेज से इतना प्रेम था कि अब मैं कभी कॉलेज छोड़ ही नहीं पाया। तो जब तक यहाँ मेरे राजनीति से, स्टूडेंट राजनीति से मैं बहुत लगाव था, तो मैं आता रहा। तो अभी आपके सामने सबसे बड़ी जो अभी चुनौती सामने है, अपनी परंपरा को और अपने रिश्तों को कायम रखना। जिस पेरेंट्स ने, जिस टीचर्स ने आपको पूरा ढाला, इस लायक बनाया, माँ बाप का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका। आप बिना माँ बाप के कॉन्ट्रीब्यूशन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। उस समय बाद आप उनको बोलोगे, 90% लोग, 10% लोग, वो भी 10% कि जो पैसे से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं हो जाते, वो ही माँ बाप को साथ में लेके जाते। जिसके पास पैसा नहीं उसको माँ बाप की कदर होती, पैसा आने के बाद में माँ बाप की कदर कम होती, ऐसा मैंने अनुभव किया। बहुत हर अपनी के लिए नियम लागू हुआ ऐसा नहीं। दो शक्तियां मनुष्य के मन में हमेशा काम करती है, एक है और एक विश्वास, और ये दोनों आपके दिमाग पर हमेशा असर करती है। दोनों का अंतर्गत हमेशा चलता रहे, भय आई है कि आपका विश्वास, जहां विश्वास करके आप काम कर रहे थे, थोड़ा सा भय आपको आ जाता, भय बहुत जल्दी हावी हो जाता आपके ऊपर, क्योंकि विश्वास को स्टेब्लिश करने में समय लगता है, भय एक सेकंड पर आप में हावी हो जाएगा। कोई चीज आपने सोची कि मुझे ये पढ़ना है, दूसरे क्षण आया कि ये एग्जाम में नहीं आया आपको। ये दो वाला जो शब्द है, ये आपकी पूरी पूरी श्रृंखला बिखेर देता है। तो आपको जो हासिल करना है, करियर बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आप मेहनत से हासिल कर सकते हो। मेहनत में कोई कमी कर, जिसको कुछ बनना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके साथ में आप अपने यहाँ की परंपरा, अपने यहाँ का जो रिश्ते निभाने की परंपरा है, अपने यहाँ के जो रिश्ते है, संस्कृति है, उसको यदि निभा पा, ये आगे जाके मुझे आज बहुत सारे इसमें बिखराव दिख रहा है। बहुत ज्यादा परिवार आज जो संगठित परिवार दिखते नहीं है, सब जगह ज्यादा ज्यादा एकल परिवार ही आज होने जा रहे हैं पूरी की पूरी। तो ये सारी की सारी, मैं ये नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी पूरी आपकी है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इसमें जिम्मेदार है,
पेरेंट्स चाहते कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियर बने, टाटा कंपनी में जाके जॉब करे और बॉम्बे जाए, पूना जाए, तो वो अपने बच्चों को अपने समय उसी समय दूर कर लेते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो हमको माँ बाप से जो विरासत में मिला था, हमारे माँ बाप के पास समय होता था हमारे लिए, हमसे पूछते थे ये नहीं क्या पढ़ रहे, ठीक है बैठते थे साथ में। अभी किस्सा आपको बताता हूँ मैं कि आज का जो पिता है वो कहीं तो भी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। आज दिन भर की रातों जो हमको मिला नहीं मिला वो बच्चों को देना, सिर्फ इस घटना के चक्कर में वो सुबह 6 बजे से लेकर, एक व्यक्ति है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक अपने वर्क में रहता है, उसका लड़का 8 साल का हो जाता है, कभी कभी उसको पिता के दर्शन होते हैं। चूंकि माँ बाप उसमें भी कहीं समस्या आ जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे का विश्वास पिता के ऊपर होता है कि मेरे पिता मेरे साथ में गलत नहीं करेंगे, ये विश्वास बनता है, मेरे पिता मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। आपको पता था एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपनी पूरी जो आर्थिक व्यवस्था में लगा रहता है। एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, उस दिन वो जाग रहा होता है और वो उस दिन घर पे मिल जाता है, बेटे से पूछता, बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी आपके मालक आपको 1 घंटे का कितना पैसा देते हैं? बाप थका माना घर पे आता है, थोड़ा सा चिड़ से जाता है, वो कहता है बेटा ऐसे प्रश्न नहीं पूछा करते, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, खेलकूद में ध्यान दो, उसमें मन लगाओ, इन चीजों में तुम ध्यान देते हो कि मेरे को मेरा मालक कितना पैसा देता है या नहीं देता है, आता है खाना खाता है, बच्चा वहां से चले जाता है, खाना खाता खाते उसके मन में विचार आता है कि मैंने आज मेरे बच्चे को कोई प्रश्न पूछा तो मैंने मना कर दिया, हो सकता है इसके प्रति उसमें और ज्यादा इच्छा हो कि भाई मैं पिता से ज्यादा कमाना चाहता हूँ, उससे मेरा कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, या कहीं दोस्तों के बीच में जाकर उसको बड़ा बताना हो कि मेरे पिताजी ऐसा करते, वो जाता है बच्चे के रूम में, बच्चा कुछ गेम खेल रहा होता है, बच्चों को समझाना पूछना, क्यों कहने पिताजी मैंने ऐसे ही कुछ किया था, एक घंटे के मुझे 500 रुपये मिले, बच्चे के दिमाग में बाहर बैठ जाती, एक घंटे में पिताजी 500 रुपये कमाते। चूंकि माँ बाप पर बच्चों का बहुत विश्वास होता है, मुझे किस्सा और याद आता है, एक बार बहुत ज्यादा पानी आता है शहर में और होना चालू हो जाता, एक बाप बेटी के साथ में जाता रहता, जाते जाते यानी पानी की पोजीशन ऐसी होती कि पैर डगमगाना मगाने लगते हैं बच्ची के, तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, तो उस समय जो बेटी उनकी कहती है पिताजी मैं नहीं आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, सिंपल चीज है, क्या फर्क हो सकता, पिताजी ने बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी ने पिताजी का हाथ पकड़ा, कुछ लॉजिक हो सकता है किसके पीछे, कोई बताएगा आप कैसे कोई क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे, बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा गया, बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा गया, कुछ बोला तो लॉजिक तो होना चाहिए, कोई गेस कर सकता है। वो आइए आइए